साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आप लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि क्या होता है। इस प्रकार का हमारे पास इक्वेशन है वह लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अगर इसी लीनियर इक्वेशन में और भी लीनियर इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 6x प्लस 7y इक्वल टू 0, यह क्या बन जाएगा? कई लीनियर इक्वेशन का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस कई लीनियर इक्वेशन जब एक साथ लिखे जाते हैं यह कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसका होमोजीनियस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जितने भी हम लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं सभी का जो पावर है सभी जगह सेम है, सेम पावर लिखा गया है, इसलिए इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अ सिस्टम ऑफ यंग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अननोन डेट इज a11x1 प्लस a12x2 प्लस .. a1n xn इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन यह हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन अगर लिखा जाए इसी तरह से प्लस a2n xn। सिमिलरली अगर इसको आगे प्रोसीड किया जाए, प्रोसीड जब करेंगे तो यह बन जाएगा a12m कर दीजिए 1x1 प्लस a1 2 3 ये आ जाएगा a m n xn इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप लिख देते हैं a 1 2 3, ये जाएगा 1, फिर 1 इसके बाद क्या आएगा, 3 1 आएगा यहाँ पे 1, इस तरह से n तक पहुंच जाएगा। यह आपका बन गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको यही है, अगर इसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 2 3 2 5 6 7, एक यह बन गया। और अननोन को लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। और एक चीज और बता रहे हैं, होमोजेनियस इक्वेशन जब बनता है तो राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होता है। अगर 0 नहीं होगा तो होमोजेनियस नहीं बनेगा, वह बन जाएगा नॉन होमोजेनियस। तो अगर जैसे इसको हम अरेंज किए हैं मैट्रिक्स इक्वेशन होता है ax इक्वल टू 0, तो a का मतलब होता है सारे, a का मतलब होता है जितने हमारे पास यह कांस्टेंट है सबको एक मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे तो हो जाएगा a11 a12 डैश डैश a1n a21 a22 डैश 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 a2n और फिर डैश 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 am1 डैश 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 amn into x1 x2 x3 डैश 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 xn इक्वल टू आपका हो गया 0 0 0 0। इस तरह से दिस इज मैट्रिक इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर ए आपका ए है, एक्स है, एक्स मतलब नंबर ऑफ अननोन या अननोन है और इसका 0, इसका नाम दिया जाता है कोफिशियंट मैट्रिक्स। कोफिशियंट मैट्रिक्स है, इसका नाम है वेक्टर ऑफ ऑर्डर कितने ऑर्डर का, कितने रोज हैं, n रोज है, n क्रॉस 1 का, इसको बोलते हैं वेक्टर, इसको बोलते हैं कोफिशियंट मैट्रिक्स। यह आपका होता है नल वेक्टर, इसका नाम है नल वेक्टर मतलब होता है 0 वेक्टर। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का यह डिफिनेशन है, सिस्टम ऑफ यंग होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ यंग अननोन, दिस टाइप का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ
होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज रिटन एज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक इक्वेशन x = 0 या कोफिशिएंट। अब हम आइए जानते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन को। सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम करते क्या है, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। सबसे पहले रैंक निकालते हैं, हमारे पास कोई अगर इस टाइप का मैट्रिक्स है या आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको इसका रैंक निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, रैंक निकालने के लिए हमने आप प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर दिया था कैसे रैंक निकालते हैं। तो इसका रैंक निकालने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे, इचेलॉन फॉर्म का यूज करेंगे। हमेशा इस क्वेश्चन में इचेलॉन फॉर्म के माध्यम से इसका रैंक निकालेंगे। अगर मान लीजिए इसका रैंक आर आ गया, रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर आ गया और अननोन यन है, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं इसमें, यन अननोन है। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक आर अगर दोनों आपस में बराबर आ गया, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल, दोनों जब इक्वल आते हैं इस दशा में, इस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है हमारे पास, जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। व्हेन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन देन सॉल्यूशन विल बी ट्रिवियल, और ट्रिवियल का मतलब होता है कि जितने अननोन हैं, x इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन xn इक्वल टू 0, जितने अननोन होंगे जब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो अननोन की जो वैल्यूज होगी वह 0 होगी। दूसरा केस है, अगर हमने इसका रैंक निकाला और यह क्या हुआ कि नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन आर, रैंक आर से ग्रेटर है, अगर अननोन हमारा ज्यादा है और रैंक हमारा कम है, इस दशा में क्या होगा, दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उसके लिए हम करते क्या है, यन में से आर को माइनस कर देते हैं, जो भी बचता है उतने वेरिएबल हम अपने पास से उस क्वेश्चन में सवाल को सॉल्व करने, जब क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है तो जितने हमें आएंगे हमारे साथ करेंगे उतने वेरिएबल्स हम क्वेश्चन में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैंक निकालते हैं और अननोन देखते हैं, अगर यन ग्रेटर है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो अब हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली जान पाएंगे कि इस क्वेश्चन में ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सबसे पहला काम ये कीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया इसका मतलब इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई इसका मतलब इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, और ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे तो x1 y1 z1 जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाला जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी।